नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3 मई 2018 के एक और करंट अफेयर्स के वीडियो में, एक नई मोटिवेशन के साथ में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, यहाँ पर काफी लोग मुझसे कह रहे थे कि जो सर अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है उसकी सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की। तो देखो, आपके एग्जाम को देखते हुए मैंने कल टाइम निकालकर अप्रैल का पूरा करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाल दिया है। कहाँ पर डाला है ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उस पर सर्च करो टारगेट स्टडी IQ। यहाँ पर मेरा चैनल आपको दिखेगा। अब ये देखो, इसमें अप्रैल का पहला हफ्ता, उसके बाद में अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, आगे बढ़ते जाएंगे आपको 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। ये सभी PDF हैं। इसके साथ ही मैंने अप्रैल के टॉप 50 क्वेश्चन जो होते हैं उसका PDF भी जल्दी से अपलोड कर दिया है। आगे देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 30 अप्रैल तक का जितना भी PDF है वो अपडेट कर दिया है। जिस जिस लोगों को, जो जो लोग सीरियस हैं, जल्दी से जाकर वो सभी PDF डाउनलोड करके जल्दी से तैयारी में लग जाओ। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो टेलीग्राम से जल्दी से डाउनलोड कैसे करना है आपको पता होगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो टारगेट स्टडी IQ, ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से PDF ले लेना। अब देखो, बात करते हैं, अगर आप SSC, IBPS, रेलवे और इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स के वीडियो डेली बेसिस पर आप सभी लोगों को बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला स्थिर लैंडर विमान का नाम क्या है। तो ये जो नया विमान भेजा गया है इसका नाम है इनसाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किस लिए भेजा गया है ये भी समझ लेते हैं। ये विमान भेजा गया है वहां पर भूकंप का पता लगाने के लिए। मंगल ग्रह पर अगर कोई भूकंप आता है तो उसका ये सही सही पता करेगा। इसके अलावा इसको, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीरियर, देखो ये जो इनसाइट है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिज्मिक इन्वेस्टिगेशन। सिज्मिक का मतलब होता है भूकंप से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा ये 4.5 अरब साल पहले जो मंगल ग्रह का खोज हुई थी, मंगल ग्रह का निर्माण हुआ था, उसको निर्माण में, मंगल ग्रह के निर्माण में कौन कौन से तत्व की आवश्यकता पड़ी थी, उन सारी चीज़ों की भी यहाँ पर पता करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रथम भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसमें देखो, सबसे पहला स्टेशन आपका हो जाएगा, आप जल्दी से इसका आंसर बता भी सकते हैं। तो इनमें से देखो, सबसे पहला आंसर हो जाएगा हबीबगंज भोपाल का स्टेशन, ये सबसे पहला स्टेशन है। और अगर पूछा जाए कि रिसेंट में कौन सा स्टेशन चुना गया है तो ऑप्शन टिक करोगे सूरत गुजरात, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, पहला हबीबगंज है, दूसरा सूरत है गुजरात में। तो ये होता क्या है, देखो रेलवे एक नया स्कीम, नया कार्यक्रम चला रहा है जिसमें वो क्या कर रहा है कि जितने भी स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास कर रहा है। और ये ना केवल भारत की, विश्व की सबसे बड़ी विकास कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया है, जिसके तहत सभी स्टेशन नहीं, शुरुआत में कुछ स्टेशन है जिनको सेलेक्ट किया जाता है उनमें विकास कार्य के लिए। तो उनमें से सबसे पहला था भोपाल और हाल ही में सूरत को सेलेक्ट किया गया है। स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत डेवलपर को विकसित व निजी संपत्ति कितने वर्ष के अधिकार के लिए प्रदान की जाएगी। इसमें दो चीज़ें हैं कि ये जो स्टेशन का विकास होगा वो कुछ गवर्नमेंट करेगी, इन कोलैबोरेशन विद कुछ प्राइवेट फर्म्स होंगी जिनको इन्वॉल्व किया जाएगा तो वो डेवलपर कहलाएंगे। तो डेवलपर को उस स्टेशन का 45 साल के लिए संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें वो जितने भी फाइनेंशियल वर्क होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे टिकट कलेक्शन करना या और भी वेंडिंग मशीन्स लगाना या कुछ और भी फाइनेंस रिलेटेड जो काम होगा वो कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा गैल्वेनाइजिंग कार्बनिक जैव कृषि संसाधन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह शहर जहाँ जनवरी 2019 में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाराणसी। और इस बार जो ये मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस, आपको भी पता है 21 से 23 जनवरी को मनाया जाएगा 2019 में। और इसका जो थीम होगा, इस बार विषय होगा, वो होगा एक नया भारत बनाने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक नया भारत बनाने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका। और आपको भी पता होगा कि हर साल 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि
9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये कब किया जाता है? छठे का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 1 मई को ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर निकल गए हैं, वह किस शहर में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ बातचीत करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वें का सी, यानी कि वुहान सिटी में बातचीत करेंगे। भारत मलेशियाई रक्षा सहयोग के भाग के रूप में मलेशिया के हुलु लंगट सेंगई पेल्डिक के घने जंगल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जाएगा, तो उस अभ्यास का नाम हमें बताना है। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा, 8th का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हरिमो शक्ति। अगला क्वेश्चन करेंगे, नवा क्वेश्चन, इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका आंसर आपको बताना है। इसमें फाइनली हम कह सकते हैं कि NPL का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो यहाँ पर देखो NPL का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा संकलित 2018 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर देखो भारत को जो पोजीशन दी गई है 138वीं, और जितने भी ये पोजीशन वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका भी थ्योरी बहुत बड़ी है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो 11वें का आंसर हो जाएगा सी, उन्नत भारत अभियान। अगला क्वेश्चन, उस अभियान का नाम बताइए जो केरल तटों के साथ तटीय सुरक्षा तंत्र में कमी को मजबूत करने और मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि सागर कवच। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने नई प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने के लिए अमेरिका और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ हाथ मिलाया है, जो कम से कम 2 दिन पहले और अधिक रिजोल्यूशन के साथ कण पदार्थ यानी कि PM स्तरों का अनुमान लगाने में मदद करेगा। तो ये किसके साथ में हाथ मिला है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमेरिका ने फिनलैंड के साथ में ये करार किया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश को कितनी राशि की सहायता प्राप्त होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, 10,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE ने भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां G-Sec और ट्रेजरी बिल T-Bill में गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस मंच का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि EGSEC प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर, आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह ने हुडको HUDCO के 28वें फाउंडेशन दिवस का उद्घाटन किया है, हुडको में डी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर डी का देखो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेवलपमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का ज्ञात सबसे वृद्ध मकड़ी का 43 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नंबर 16। अगला क्वेश्चन है, साजिद जावेद को हाल ही में किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंग्लैंड का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सुप्रसिद्ध फिल्मकार लेस्टर जेम्स पेरिस, जिनका हाल में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इनका नाम जो था जिससे ये फेमस थे वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सिंघला सिनेमा के जनक। नासा का इनसाइट मिशन निम्नलिखित में से किस ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा?
तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था। ये मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना, जब से कि मंगल ग्रह का निर्माण हुआ है उसके बारे में पता करेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल में खबरों में रहा मार्स क्यूब वन यानी मार्को, MARCO क्या है? तो ये 21 का आंसर हो जाएगा, सी यानी कि नासा प्रौद्योगिकी प्रयोग। 22 नंबर, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस फूल के डीएनए के रहस्यों को सुलझा लिया है, अर्थात उसकी जीनोम संरचना तैयार कर लिया है? तो ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि गुलाब के बारे में, जो कि अभी तक एक रहस्य बना हुआ था, इसको पूरी तरीके से सुलझा लिया गया है। हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के बीच में युद्धाभ्यास का नाम है? अभी हाल ही में ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आंसर नंबर डी यानी कि भारत और मलेशिया, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को उठाने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा मयम व्हील व्हील्स व्हीसल नामक मोबाइल ऐप आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमल हसन के द्वारा, राजनीतिक मुद्दों ये सारे उसमें एप्लीकेशन में ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वर्ष 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस निम्न से किस जगह आयोजित होगा? तो ये बनारस में आयोजित होगा, इसकी थीम क्या होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से किसने केंद्र सरकार के खिलाफ धर्मा परोतम न्याय के लिए संघर्ष का शुभारंभ किया है? तो ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी कि चंद्र बाबू नायडू ने धर्मा पोरातम यानी कि न्याय के लिए संघर्ष शुभारंभ किया है। 27 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र खुंटिया ने हाल ही में कौन सा पद धारण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन इन न्यूज में क्वेश्चन है ये, इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शिक्षा विभाग ने वर्ष 2019 में सभी सरकारी स्कूलों में 14 फरवरी को मातृपिता पूजन दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजस्थान में ऐसा निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर देखो टोटल 28 क्वेश्चन किए हैं हमने 3 मई 2018 के, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि मैं जो भी PDF बनाता हूँ करंट अफेयर्स की, वो आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कराने में बहुत आसानी हो जाती है। लाखों बच्चों को एक क्लिक में सभी PDF पहुँचाई जा सकती हैं। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, जहाँ से आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, आपको टाइप करना है टेलीग्राम। इस तरीके से टेलीग्राम का एप्लीकेशन आपको दिखेगा, जिसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डाल के, जैसे ही आप उसको ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन होने के बाद में आप सर्च करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्च बार में आप टाइप करेंगे टारगेट स्टडी IQ। देखो मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ, टारगेट स्टडी IQ सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर 67,262 लोग जिसको ऐड ज्वाइन कर चुके हैं उस ग्रुप को ऐड करना है, और अप्रैल का करंट अफेयर्स पूरा डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से मई का करंट अफेयर्स में मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। आप देख रहे हैं कि सभी PDF बहुत ही मेहनत से तैयार की गई हैं, इनको वीडियो इनको सारे वीडियोस को सारे PDF को जल्दी से जल्दी तैयार कर लेना, सो दैट आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सके। और इसमें पूरा PDF है, एक एक दिन का PDF है, आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से किसी भी PDF को पढ़ने में। सो गाइस, इसको जल्दी से तैयार कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए सो दैट मैं रेगुलर आपके लिए इसी तरीके से वीडियोज़ बनाता रहूँ।